जिसका पहला इजलास दिन में हो चुका और दूसरे इजलास का कुछ ही देर में आगाज होने वाला है, जिसमें मुकर्रमीन उलमाए किराम मुरब्बीन शोरा हजरात और दानिशवर व मुहतकरम अपने ख्याल सरकार सईद उलमा के सिलसिले में पेश करवाएंगे। लिहाजा मैं आगाज के लिए गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना हैदर महदी साहब किबला के इल्म से वो तशरीफ लाएँ और कलाम पाक से इसका आगाज फरमाएँ। और आज इस जलसे की सदारत मोहतरम आगा सैयद हसन मोसरी साहब किबला फरमा रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मसलत सदारत पर जबरदार करूँ। आप हजरात से गुजारिश है कि नारे सलवार से इस्तकबाल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا Yeah.
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار قرآن المجيد तिलावत से जलसे का आगाज हो चुका क्योंकि ये सेमिनार भी मुफस्सिर कुरान के सिलसिले में हो रहा है। सभी हजरात के खैर मकदम और इस्तकबाल के लिए एक शेर तो हुजूर शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए ये बज़्म हमने सजाई है आप ही के लिए। आज के इस नशिस्त में मेहमान मुकर्ररीन के अलावा तीन शोराए किराम हैं, लिहाजा मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम सादिक आगा साहब जो बम्बई से तशरीफ लाए हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और आप हज़रात से दरख्वास्त है कि हर मुखर्रिक और हर शायर का इस्तकबाल नारे सलवात से करना। السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. यादगार हुसैनी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ नाचीज को मौका दिया कुछ कहने का आप लोगों के सामने। मुंबई से आया हूँ और 1973 से 1973 से सैयदुल उलमा अली नकी साहब से वाबस्तगी रही है, इसलिए कि उनके हबीब मोहतरम जाफ़र अली असील के यहाँ उनका क़याम रहता था और
जाफर अली असील क्या 17 बरस की उम्र से बेहमदिल्ला जाना मेरा हुआ था। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में मुकर्ररीन ने बहुत कुछ अर्ज किया है, उसमें मैं क्या कहूँ, कह चुके ये लोग। सिर्फ ये है कि कुछ कमज़र्फ हजरात ये समझते हैं कि सब उलमाए किराम की इजाद है, जबकि कोई चीज़ हमारे फुकहा का ऐसा नहीं होता है जिसमें या कुरान या हदीस या इजमा या अक्ल से वाबस्तगी ना हो। ये तो सिर्फ मुझे रेफरेंस देना है इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में। आइम्मा ताहरीन ने फरमाया बहुत है, सिर्फ नाजुल बलागा में खुतबा नंबर 127 देखिए क्या कह रहे हैं। सवाद आजम के साथ हो जाओ, यानी इत्तेहाद का, और आगे बता रहे कि डिवीजन, इख्तलाफ, इंतशार, इसके नुकसानात क्या है और क्या इसका अंजाम होता है। 127 खुतबा नहजुल बलागा। फिर मकतूब नंबर 78 में जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई हरीस नहीं है इत्तेहादुल इत्तेहाद उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सहीफ़ कामिला दुआ नंबर 27 इमाम दुआ फरमा रहे उन फौजियों के लिए जो मुमलिकत इस्लामी के सरहदों की हिफाजत फरमा दी उनके दौर में। यानी इसकी तो इमाम अली और इमाम सज्जाद से वारिद हुआ और हर इमाम के साथ भी। ये मासूमीन का टीचिंग है जो आज हमने ईरान से 1979 में जब कामयाबी हुई तो नारे बुलंद हुए या अय्युहल मुस्लिमून इत्तहिदू इत्तहिदू, तो हमने कुछ लोगों ने समझा ये इन लोगों ने नहीं, ये आइम्मा मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से वारिद है जिसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं। और तो रेफरेंस नहजुल बलागा से है कि कोई मजाल नहीं है कोई इनकार करे। और सहीफ़ कामिला नंबर 25 इस्लाम की तालीम इत्तेहादुल इंसानियत पर भी है। मालिक अश्तर को जो मौला फरमा रहे कि तुम उन लोगों की तरफ जा, दो किस्म के लोगों की तरफ जा रहे हो, एक वो जो दीन में तुम्हारे भाई हैं और दूसरे वो है जो खलकत में तुम जैसे हैं। इसको कहते हैं इत्तेहादुल इंसानियत की तालीम है। सैयदुल उलमा अली नकी अल्लाह मकाम, इन्होंने किताब लिखी है कुरान के बैनुल अक्वामी इरशादात। सिर्फ कुरान ने मजीद से और उसकी तशरी और तफसीर से पर किताब है और ये बताया है कि कुरान के इंटरनेशनल सेंग्स क्या है। बस ये इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए इतना बोलना मेरा बस है कि इंसान बावर करे कि आइम्मा ताहरीन की तालीम है। ये उलमा खुद साख्ता कुछ निकाले नहीं है इसमें। अब मेरे कुछ तजुर्बात हजरत सैयदुल उलमा के बारे में हैं, उनके इल्म के बारे में मैं नाचीज़ हकीर क्या कहूँ, कहाँ सूरज और कहाँ ज़मीन, ज़मीन बहुत फ़र्क है। लेकिन 1973 से इनसे वाकिफियत हुई। बम्बई आते थे सैयदुल उलमा तो बम्बई में मुकीम एक मशहूर घराना है ईरानियों का, ये फारसी में एक मजलिस रखते थे उनके लिए, वो पूरी मजलिस फारसी में पढ़ते थे।
और जब बम्बई आते थे हज़रत अली नकी अल्लाह मकामा, तो बिरादरान अहले सुन्ना भिवंडी वाले आते थे सीरतुल नबी पढ़ने की इल्तिजा करने के, भिवंडी आके एक बात फरमाइए बाबत सीरतुल नबी, ये इनका मकाम था गैरों के यहाँ। 1973 से इनको बिल्कुल करीब से, इसलिए कि असील साहब जाफर अली असील साहब के यहाँ इनका कयाम रहता था और मैं जाता था जब मेरी उम्र 17 बरस की थी। लेकिन ऐसे साथ मिले लोगों का जानकारी हो तो मैच्योरिटी धीरे धीरे आई जाती है। इनकी एक करामत आज बयान करना है जो गालिबन उनके बेटे को भी नहीं बताया होगा। ये ऐसी करामत है, जाफर अली असील साहब बम्बई में मुकीम एक खोजा बिजनेसमैन थे, खुदा रहमत करे इंतकाल हो गया 1999 में, जिनको रद्द वहाबिया में सैयदुल उलमा ने हबीब मोहतरम कहा है। और हम जानते हैं कि वो सलमान अली नकी थे और बेतकल्लुफ थे ये लोग एक दूसरे के साथ में। बहरहाल मौलाना की करामत के बारे में एक जाफर अली असील साहब खुद मुझसे नकल फरमाया, और दो बेटे उनको हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बम्बई में। उनके छोटे बेटे का वाक़या है ये 1977-78 के आसपास का। उसके फिंगर्स में हाथ उंगलियों में पस हो जाया करता था, पीप जिसको कहते हैं, और डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करना होगा। उन दिनों सैयदुल उलमा बम्बई में ही थे और उन्होंने नमाज सुबह में जब जाफर अली असील साहब और सैयदुल उलमा ये लोग बेदार हुए, तो हजरत सैयदुल उलमा से जाफर अली असील साहब ने कहा, जनाब आज बच्चे का ऑपरेशन है, नमाज सुबह आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अली मोहम्मद साहब आप भी सुनिएगा, पता नहीं पिदर बुजुर्ग गवार ने शायद आपको नहीं बताया हो, क्योंकि वो खुद नुमाई तो उनमें थी नहीं। जाफर अली असील साहब ने जब मौलाना नमाज सुबह के लिए तैयार हुए घर में, तो कहा कि जनाब नमाज के बाद अनीस के लिए दुआ कीजिए, क्या उनके बेटे का नाम अनीस है आज भी है, जब वो 7-8 बरस की उम्र थी उसकी, तो कहा कि अनीस के लिए आप दुआ कीजिएगा कि ऑपरेशन कामयाब हो जाए। सैयदुल उलमा ने कहा इंशाअल्लाह यकीनन, और ज़ाहिर सैयदुल उलमा ने दुआ की। अब सुबह तकरीबन 8-9 बजे ऑपरेशन का टाइम था, अनीस को उनके बेटे को, दूसरे नंबर का बेटा आज भी बम्बई में है ये लोग, हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर चेकअप किया और कहा, भाई क्या किया आपने? तो कहा कि क्या हो गया? बोले क्या किया वो बताइए आपने, ये कुछ घंटों में ये बच्चे को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये हम आइम्मे ताहरीन के बारे में, अम्बिया किराम व मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में सुना करते हैं, लेकिन मैंने खुद उनकी ज़िंदगी में, जाफर अली असील साहब मौलाना जिंदा थे, तो ये सुना।
और डॉक्टर ने ये पूछा कि क्या किया आपने, आखिर ये बताइए कि ये कल रात को हमने कहा ऑपरेशन होने वाला है और आज कहते कुछ नहीं। अब यहाँ लखनऊ आने के पहले मुझे कुछ याद आया, मैंने फ़ोन किया और पूछा कि ये 7-8 बरस की उम्र में उनके बेटे असील साहब के बेटे को पस हो गया था और वो मौलाना की दुआ से शिफायाबी हो गई, आज उसकी उम्र तकरीबन 44-45 है, 45 बरस की उम्र है करीब। तो मैंने सवाल किया फ़ोन पर कि फिर हुआ ये जो तकलीफ होती थी जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा वो फिर हुआ? जवाब मिला फिर नहीं, कोई हिसाब से फिर हुआ ही नहीं और एक भूली हुई कहानी है। ये हज़रत सैयदुल उलमा की शख्सियत, शायद अपने फर्जंद वाहिद को भी नहीं बताया होगा। साहेब करामत, अब आज इमामिया मिशन गया तो यही ज़ियारत कब्र किया और वहाँ दुआ किया कि ये बाबुल हवाइज है, हाजत पूरी होने का दरवाज़ा है बम्बई लखनऊ में, आप सुन लीजिए सब लोग। हकीकत साहेब करामत, लेकिन खामोश तबीयत के। अब तीसरा ये है, ये बात 1975 के आसपास की है, जब महाराष्ट्र में गवर्नर अली यावर जंग थे। अली यावर जंग साहब की बीवी जहरा इनकी मजलिसों में आया करती थी जनाब के। मैं जाफ़र अली असील साहब के घर में बैठा हुआ था, सैयदुल उलमा इस तरफ से, जाफ़र अली असील इस तरफ, और मैं यहाँ सोफे पर बैठा था, ये दोनों बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, सोफा कुर्सियों। एक फ़ोन आया, क्योंकि ज़माना मोबाइल का था नहीं, फ़ोन आया जिसको आवाज़ बंद किया जाफ़र अली असील साहब ने, और सैयदुल उलमा अली नकवी साहब से कहा जनाब गवर्नर के यहाँ से फ़ोन है, आपको कल चाय पर मधु किया है। जाहिर बात है जब मधु किया तो गाड़ी भी भेजेंगे वगैरह। जनाब ने क्या कहा, अली मोहम्मद साहब उनकी आदत से वाकिफ होंगे, वही जवाब। मौलाना ने कहा मैं शाम को चाय पीता ही नहीं, बस ख़त्म हो गई बात। असील साहब ने फ़ोन पे गवर्नर के यहाँ कहा कि ये शाम को चाय पीते नहीं है, अच्छा ठीक है दुआ में याद रखें वगैरह। यानी अपने प्रिंसिपल को चेंज नहीं किया, अपने उसूल को चेंज नहीं किया किसी गवर्नर के बुलावे पे। ऐसी बुजुर्ग शख्सियत थी हज़रत सैयदुल उलमा। रद्द वहाबिया, मेरा हमेशा जाफ़र अली असील साहब को इसरार रहता था कि इसको उर्दू में छपाओ, इसलिए कि 1988 में उनकी वफात हो गई, इमाम जमात है ये मस्जिद ईरानियान मुंबई, शेख इस्माइल रजबी ने मुझसे कहा था कि सिर्फ एक फजीलत अली नकी साहब के लिए काफ़ी है, और वो ये कि तालिब इल्म थे, ये स्टूडेंट थे, इनकी उम्र 28-30 भी नहीं हुई थी और इराक पढ़ने गए थे, और इन्होंने अरबी में कशफुन नकाब अन अकायद इब्ने अब्दुल वहाब लिखा। उसी का मैं चाह रहा था तर्जमा उर्दू में हो जाए, तो ये हमेशा जाफ़र अली असील कहते थे कि मेरे पास कशफुल इर्तियाब है, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं बोला आपके लिए कौन कहता है, ये तो आवाम के लिए मैं क्या आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ। बहरहाल वो वक्त भी आया कि जब वो राज़ी हो गए, मुझसे कहा जाओ शेख इस्माइल से
अरबी में कॉपियां लेकर आओ। और जनाब जब ईरान में थे और उनको भेजा गया अरबी का, उर्दू में छपने के बाद इजहार तशक्कुर में हकीर का भी नाम लिया उन्होंने कि मेरा। अब रद्द वहाबिया उर्दू में जब आई तो मैंने जाफर अली असील साहब से पूछा, जनाब आप तो इसका तर्जुमा करने देर लगा रहे थे, लेकिन किताब से ये मालूम पड़ा कि दुनिया शियत में पहली किताब जो ज़बान अरबी में लिखी गई बाबत इब्ने अब्दुल वहाब, ये एक हिंदी आलिम ने अरबी में लिखी है, सैयद अली नकी ने। आप सुन लीजिए, किस पहली किताब जो अरबी में बाबत इब्ने अब्दुल वहाब लिखी गई अरबी में, वो सैयद अली नकी अल्लाह मकामा इन्होंने लिखी है। और दूसरी किसी आलिम ने लिखी बाबत इब्ने अब्दुल वहाब, वो मोहसिन अमीन आमिली थे, साहेब कशफुल इर्तियाब। बल्कि उन्होंने कशफुल इर्तियाब में कुछ सफात इनकी कशफुल नकाब से लिया था और उसमें मेंशन किया उन्होंने कशफुल इर्तियाब में के कुछ सफात। तो ये जनाब स्टूडेंट थे और बुजुर्ग उलमा मौजूद थे इराक में, उनकी मौजूदगी में जब इन्होंने अरबी में लिखना शुरू किया तो बड़े बड़े उलमा इनके पास आने लगे एहतरामन, कि उनकी निगाह में तो बच्चा ही, हमारे हिंदुस्तान की ज़बान में तो बच्चा ही कहा जाएगा 25 बरस के नौजवान को। तो उलमा बहुत इनकी वो करते थे। और कशफुल नकाब का तर्जमा इब्ने अब्दुल इब्न जो रद्द वहाबिया तर्जमा नहीं, एक अलग किताब है उसी टॉपिक पर, उनकी ज़िंदगी की पहली मुहिम किताब कशफुल नकाब और आखिरी किताब रद्द वहाबिया। अब बात उस शब की है जब दुनिया से जनाब कूच कर गए, शबे ईद उल फित्र। शबे ईद उल फित्र जो है मफातीहुल जिनान में आमाले शबे ईद उल फित्र आप खोलिए, आपको पहला जुमला मिलेगा कि वो शब है ये जो शबे कद्र से कमतर नहीं है। यानी जनाब अली का इंतकाल भी उस शब में हुआ जिस शब से बढ़कर इस्लाम में कोई शब नहीं, इसलिए कि शब कद्र थे बिल्कुल हम पल्ला है। और एक आम मोमिन के बारे में तो तालीम है मोहम्मद आले मोहम्मद अली मुसलाम की कि मोमिन जब भी इंतकाल करता है, शहीद इंतकाल करता है, शहीद मरता है और सिद्दीक मरता है। ये तो आम मोमिन के लिए जो मोमिन है, ये तो सैयद उल उलमा थे जिनको ये उलमा इराक बड़ी इज्जतों इज्जत की निगाहों से देखा करते थे। और बड़े बड़े उलमा थे जबकि ये जवान थे, 27-28 बरस के थे। ये तो 27 बरस की उम्र में तो इनको इजाज़ा मिल गया इश्तिहाद का, कशफुल नकाब तो उसके भी पहले की है। तो यही बात है कि साहेब करामत है, साहेब इनकी कब्र जो है, मैं 5 बार ये 5वीं बार लखनऊ आया हूँ और 5ों मरतबा इनसे ही मुतालिक मैं आया हूँ। पहली बार इनसे मुलाकात को, दूसरी बार भी इनकी कब्र की ज़ियारत जो जब सैयद हसन जो इनके दामाद थे खुदा रहमत इश्को ने, उनके हाथ में उनकी चाबियाँ थी, बाद में फिर ये 5वीं बार है। और उनकी कब्र जो है वो मैं यही कहूँगा कि सैयद नूरुल्लाह चिश्तरी के रोज़े मुबारक और कब्र मुबारक से कमतर नहीं है कबूलियत दुआ के मुतालिक, बाबत है कबूलियत दुआ
तो जनाब के इंतकाल के बाद टूट गए जाफर अली असी, बिल्कुल एक अलग उनकी कैफियत हो गई थी, यानी उदास रहते थे। बहरहाल जनाब इनके इल्म के मुतालिक मैंने कुछ, हालांकि इनके इल्म के मुतालिक कुछ कहना चाहूँ तो और मुझे कम से कम आधा पौना घंटा चाहिए। तस्कर हुफाज शिया मजहब बाबो वहाँ ये सब पढ़ी हुई किताबें, जहाँ इनकी किताबें मिलती थी मैं वहाँ पहुँच जाता था नौजवानी में लेने के, वो अवेलेबल नहीं थी, पुराने लोगों के पास थी। चाहिए इंसानियत तो मारूफ हुई, वरना इनकी हर किताब वो गैर मारूफ नहीं है। बहरहाल जनाब अहले लखनऊ याद रखें, और कि ये वो कब्र मुकद्दस है आपके शहर में कि जहाँ आप जाके परवरदिगार से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह मुस्तजाब होगी। ये वो शख्सियत गुजरी है जिसके बारे में जाफ़र अली असील साहब के से मैंने सिर्फ एक बार, जाफ़र अली असील साहब एक ज़बरदस्त जानकार आदमी थे और मुनाजिर भी थे, मुबाहसा करते थे वगैरह वगैरह। मैंने उनसे यूं ही कहा, और ये मेरा शायद आखिरी जुमला है, मैंने उनसे कहा हुजूर आपको देख के यूँ अंदाज़ा होता है मुझे कि सैयदुल्लामा और आपके बीच 15-20 का फ़र्क होगा इल्म का। तो उनके चेहरे पे नाराज़गी जाहिर हुई और मुझसे कहा अली नकी साहब जाफ़र अली असील को 50 बरस पढ़ा सकते हैं, आप उनसे मेरा तकाबुल कर रहे हैं। तो बहरहाल खुदा इस अहले लखनऊ को तौफीक दे कि बुजुर्ग शख्सियत जिसकी कब्र आपके यहाँ मौजूद है, इनकी इसलिए कि मफातीहुल जिनान और हमारी दूसरी किताबों में उलमाए सालेहीन, सालेहीन तो उलमा तो इनकी कब्रों की ज़ियारत को मिसले ज़ियारत मासूमीन बताया गया है। मफातीहुल जिनान में जनाब इमाम हफ्तुम से भी है ज़ियारत अहले कबूर के सिलसिले में। तो यही पर मैं ख़त्म करूँगा कि डॉक्टर अली मोहम्मद साहब अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए, खुशी की बात है कि डीन ऑफ शिया थियोलॉजी हुए, जिसके पहले कल्बे आबिद साहब भी, ख़ानदान इश्तेहाद ने 1969 में इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नारा दिया, अमलन करके बताया। 1979 में बादे कामयाबी इनकलाब इस्लामी ईरान ये मारूफ हुआ लोगों में, लेकिन आफरीन है सैयद कल्बे आबिद साहब, मौलाना अली नकी ने कुरान के बैनुल अक़वामी इरशादात लिखे, यानी ये बताया कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही नहीं इत्तेहादुल इंसानिया भी इस्लाम की तालीमात में से। वो आखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहतरम तालीकात साहब, सरकार सईद उलमा की हयात व कारनामे इमली कर बच्चों पर मुकम्मल रोशनी डाल रहे हैं। वक्त बहुत कम है और हमारी फहरिस्त में 5 मुकर्रीन और 3 शोरा के राम हैं, लिहाजा मैं मुकर्रीन की खिदमत में अर्ज करूँगा वक्त की नज़ाकत का ख्याल रखें। अब मैं दूसरे मेहमान मुकर्रर मोहतरम अली जनाब प्रोफेसर लियाकत मोहिनी साहब तिमला से दरख्वास्त कर रहा हूँ, जिनका ताल्लुक दरगाह अजमेर शरीफ से भी है, आप अपने इस्तकबाल फरमाएं, मैं गुजारिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम। बलगल लुला बिकमाल ही कशफत दुजा बिजमाल ही हसन जमीयो के साल ही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही।
शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीन हस्त हुसैन दी पना हस्त हुसैन सरदार नदार दस्त दस्त यजीद हका के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। मोहतरम सरदार साहब मसनसी नजरा मेरे अजीज भाइयों बुजुर्गों, सबसे पहले तो मुबारकबाद के काबिल हैं वो नौजवान जिन्होंने इस महफिल को इतनी बारौना और बाबरकत बनाया और जुमला मकातिब फिक्र के लोगों को जमा करके एक पैगाम दिया कि हम एक हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान करीम में अहले बैत आचार की शान में आया तथीर आया मौद्दत और बेहिसाब आयात नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आयात नाजिल हुई हैं जिनको हमारे बहुत से भाई बाद में कहते हैं कि कुछ मुसलमान गुलू करते हैं। अल्लाह ताला ने खुद इतना बयान फरमाया यदुल्ला बशीर नज़ीर रहम रहीम करीम जो जो अल्लाह ताला चाहता था वो सब दिया। एक आयत करीमा है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मा वशिद्दाउ वलल कुफ्फार रहमाहुम बैनहुम और पूरी आयत है जिसमें तारीफ बयान की गई हुजूर के साथियों की सहाबा की। उसी तरह से हम सूफिया इकराम और बुजुर्गों का मामला ये रहा कि मन कुंतु मौला फालिबिन मौला तमाम सलासिल सूफियों के हजरत अली करम अल्लाह वजहों से मिलते। तो ये तीन चार चीज़ें जो मैंने आपके सामने पेश की मकसद वही है जो आज तमाम तकरीरों में हुआ और मेरे पेशरों अनीस साहब ने फरमाया कि इत्तेहाद आपसी मोहब्बत और आपस में एक दूसरे के लिए जज्बा एहतराम। नकन साहब एक ऐसे खानवाले से ताल्लुक़ रखते थे कि जिनको इश्तियादी ख़ानदान कहा जाता है। मैं तारीख का तारीफ हूँ, ये वो उस दौर में थे जब हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत जवाल पजीर थी। इनके आबा अजदाद गुफरान माल हजरत मौलाना दिलदार अली साहब, एक तरफ शाह वलीउल्लाह सुन्नी उलमाओं में और तसव्वुफ के लोगों में इश्तिहार ला रहे थे, मौलाना फखरुद्दीन चिश्तिया सिलसिले की समझ लीजिए कि दोबारा बागबाई कर रहे थे और हद तो यह है कि नक्शबंदी सिलसिले की जो बड़ा सख्त सिलसिला कहलाता है मिर्ज़ा मज़हर जाना इस मकाम पर आ गए थे कि उन्होंने अहले उलूद को और उनकी किताब को ये कहा कि किताबें लाई हो सकती है। तो माशरे में एक चेंज आ रहा था, उसी चेंज के दौरान मौलाना दिलदार अली साहब ने अपना इश्तिहार शुरू किया और उनके औलाद में हजरत नकन मियाँ साहब जब पैदा हुए इराक गए, इराक की तहजीब व तमद्दुद की सरजमीन में उन्होंने अब अपने आप को तैयार किया और हिंदुस्तान तशरीफ लाए। तो मैंने जो कुछ अभी अर्ज किया मेरा मकसद ये था कि उनके मिजाज गिरामी में इत्तेहाद की जो बिल्कुल बातों से नहीं सोच के साथ साथ अमली तौर पर जो जहन था वो हमारे लिए एक पैगाम लेकर आया था और उसी पैगाम के तहत आज हम इस जगह जमा भी हुए हैं और हमने अपने मामलात को तय किया है। जबान बड़ी सादा, मैंने तकरीरें सुनी अलीगढ़ में उनकी, अंदाज बयान आखिर में मैं आपको जब ख़त्म करूँगा तो उनकी तकरीर का एक वाक़या बताऊँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को ये एहसास नहीं होता था कि मेरा दिल दुखा है या कोई बात ऐसी गई जिससे मुझे तकलीफ हुई है, बिल्कुल मोमिन की। और अभी जो तकरीर मैंने सुनी अनीस साहब की, मुझे बिला शुबा ये लगा कि वो शख्स बिला शुबा वलीउल्लाह था, अहलुल्लाह था और सूफ़ी थे। जो मामला करामत की भी सुनी, फराग दिली की भी सुनी, अब रहा स्कॉलरशिप का मामला, बहुत किताबी हजरत ने लिखी है, बड़े बड़े उलमाओं ने उन पर अपने इजाद ख्याल किया है, लेकिन एक आई के होवर्ड ने लिखा है एक किताब के बारे में उनकी के पीस ऑफ स्कॉलरशिप। मौला कायनात इमाम आली मकाम और दूसरे अहले बैत आचार की शान में जो कुछ लिखा वो तो समझिए कि उनके खमीर में शामिल था, मगर उनकी किताबों में जो मुझे अजीब व गरीब चीज़ें लगी जिसमें तफसीर कुरान का मामला है जिसमें उन्होंने मौलाना अब्दुलमजीद दरियाबादी से भी कुछ मामले हासिल किए हैं, वो कहीं उनकी तनकीद भी की है मगर इस अंदाज़ में कि गरा नहीं गुजरती है, बहुत खामोश इत्मीनानी आदाब के
दायरे में रह के कुछ इस पर अपनी राय की इजहार ख्याल किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान करीम में जो हरूफ मुकत्तियात हैं, अलिफ लाम मीम, काफ हाइन या सवाद और दूसरे मामलात, उनको जो उन्होंने बताया कि राज इलाही हैं, ये बहुत करीब करीब क्या बिल्कुल तसव्वुफाना रंग है। हमारे सूफियों में इसकी इस्तिलाह अजीब है, सूफिया अकराम में और तमाम बुजुर्गान दीन में अहलुल्लाह में, मैं वाहबियों की और अहले जमात और उलमा की बात नहीं करता, वो भी हमारे भाई, मगर मैं मखसूस तबके की बात कर रहा हूँ, कि वो इसमें कुछ राज इलाही देखते हैं और वो उससे अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने की बात करते हैं, जो सीना बसीना उस तक पहुँचते हैं। और हमारे यहाँ तस्वूर यह है कि जो सीना बसीना चीज़ें आई हैं नबी करीम से, वो मौलाए कायनात के थ्रू उन सब लोगों तक पहुँचे। उसी के साथ आप देखिए कुछ किताबों के बारे में मैं सिर्फ नाम लेके इतफा करूँगा क्योंकि वक्त की भी कमी है। खुदा की मार्फत, ये बड़ा अहम नुक्ता और ये तमाम सूफियों के लिए मार्फत इलाही और इरफान का मामला। अब टाइटल पे जा रहा हूँ, हयातुल नबी, ज़बरदस्त बहस है कि रसूल जिंदा है जावेद या नहीं। माज़ल्ला एक तबका कहता है, अल्लाह उनको हिदायत दे कि रसूल की हयात का मामला ये है, उस पर लिखना। और सबसे बड़ी बात जो अभी अभी बयान हुआ आपके सामने कि रद्द वहाबिया, अभी मैं भारत साहब, मैंने बहुत कोशिश की कि उर्दू में मिल जाए मुझे, वो बहरहाल हिंदी में मिल गई है, पढ़ी थी पहले। उस दौर में जैसा अभी कहा गया कि सबसे पहले वही शख्सियत हैं जिन्होंने उन वहाबियत का रद्द किया, हालांकि मौलाना फजल रहमान खैराबाद, फजलिया खैराबादी ने भी किया हिंदुस्तान में, लेकिन हो सकता है वो बात का मामला रहा हो। तो मुझे हैरत है कि कितना उनका जहनी मामला, इतना बाशऊर मामला था, सोच कितनी खुली थी, और समझते थे कि ये चीज़ किस लिए और कहां पर इस्लाम की जड़ों को हिला के रखने की कोशिश करें। बाबियत का सिलसिला जो है वो आप कहना समझा, खाली एक मजहबी मामला था, पूरा अंग्रेज़ों का खेल था, जिसमें सऊद को बुलाकर मिलाकर और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ कंप्रोमाइज़ कराकर एक नया शाखसाना खड़ा किया, जिससे आज तक हम भुगत रहे हैं। और जो अब जाके इस मामले में आ पड़ा है कि साहब वो क्या कहलाता है जहाज, अब वो जहाज के मामले में उलझा के रखती है। बहरहाल मैं तो इस पर अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी निगाह इल्मी मामलात में कि किस वक्त क्या चीज़ की जरूरत है। अच्छा, ये वो पूरा शोभ ज़माना है, कादियानी वाहबी तहरीक हिंदुस्तान में कई तहरीकें जन्म ले रही, उसका सत्यभाव होना है। सुन्नी उलमा तो अपने हिसाब से, जिन्हें आमतौर पर बरेलवी कहा जाता है, हालांकि मैं बरेलवी को उससे एग्री नहीं करता, वो तसव्वुफ के सारे लोग हैं, इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन इस मखसूस तबके के तरफ से मदद मिलना और उसको तकवीत पहुँचाना इस्लामी मामला को, ये एक बड़ा कारनामा उनका रहा है। अब उसमें देखिए कि तफसीर कुरान में जहाँ उन्होंने, मेरे ख्याल में सैयद आमिर साहब ने उसको कोट किया था अपने उसमें आर्टिकल में, कि जोर देते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के अलावा जितने रसूल और पुरानी आयत है कि बेशुमार रसूल आए और सब पर ईमान लाना हमारा फ़र्ज है, उस पर जोर देने का मकसद क्या था। हिंदुस्तान के माहौल में और दूसरे वर्ल्ड के माहौल में पैगाम यह था कि देखिए भाई, हम तो वो लोग हैं कि जो आपके बुजुर्गान की, आपके नबियों की, जो हमारे भी नबी हैं, हम तालीम और तकरीम करते हैं, लिहाजा आपको वो जो आपने एक मिशन चलाया है हमारे आका और मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ, उस पर आपको जहर अफसानी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा तो कल बहुत वसी है, हमारे लिए तो अल्लाह रसूल का ये हुक्म ही है कि आमन तो मिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, यह हज़रत की सबसे बड़ी बात रही। उसके बाद एक दो किताब और तकिया का मामला देखिए, उस पर जो किताब थी, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, तो अब उस पर मैं इस वक्त ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूँ। यजीद और जंग कुस्तुंतुनिया, तलवारें तनीमी है सुन्नी उलमाओं में, एक सेक्शन कह रहा है कि नहीं वो तो जन्नती हो गया, कुस्तुंतुनिया में गया था। अरे भाई, वल्लाह आलम बिस्सवाब, तारीख़ी अखबार से चेक कीजिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जन्नत के जो सरदार हैं उनके साथ जो मामला हुआ, मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में जो मामला हुआ, काबतुल्लाह की मिट्टी के फेंक दी गई, आग लगा दिया गया, उसके बाद जन्नत आप दे रहा, अल्लाह की मर्जी की बात तो दूसरी है। कम से कम तारीखी हकाइक से आपको देखना, इन इम्पॉर्टेंट इशूज़ पर लिखना, वगैरह इसका मतलब ये कि वक्त के नबाज थे, वो समझ रहे थे कि मामला को कहाँ कैसे और किस तरह बयान करना है, ये सारी उनके मामला किताबें नहीं थी। और मेरा ख्याल ये है आखिर में कि बहरहाल अब ज़्यादा बात नहीं मैं कहता, कि
कि शेख मोहम्मद शराबी, इमाम खुमैनी, अज़र शरायती, मताहिरी वगैरह जो आजकल के हमारे सब स्कॉलर्स हैं ईरान के, उनका पेश खेमत है। जो सोच ये दे रहा है अब हमें इमाम खुमैनी वगैरह, वो मौलाना बहुत अरसे पहले हमें दे चुके थे, जिसको बाद में लोगों ने रिलाइज किया। और बड़ी खुशी की बात थी कि इमाम खुमैनी ने इसको ईरान में करके और इस मामला को इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के मामले को आगे बढ़ाया। आखिर में मैं एक वाकया अलीगढ़ का सुनाता हूँ। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव की आस्थाने से मेरा ताल्लुक़ है, और बहरहाल सुन्नी कहिए हमें, शिया कहिए, सूफी कहिए, जो चाहे कहिए, है तो सुन्नी कैटेगरी के उस में, लेकिन वहाँ जिस तरह मुहर्रम शरीफ में और अहले बैत के मामले में हम लोगों पर बंदिशें अकायदी ज़बरदस्ती नहीं, तो वो होता यह था कि अलीगढ़ में तो कुछ मज़ा आता नहीं था, डालते हुआ नकवी साहब तो हम अजमेर चली जाया करते थे पूरे 15 दिन के लिए कि भाई वहीं रहेंगे, वो पूरा माहौल हमें अपना मातम का सब रहेगा। कभी कभी जाना नहीं भी होता था, फंस जाते थे यूनिवर्सिटी के मामलात में। तो जब कभी रुकते थे तो फिर ये होता था कि भाई चलिए आप नक्कन साहब की तकरीर सुनेंगे। जाफर जकी साहब के मकान में मजलिस होती थी आठवीं या नवीं शम में। तो पहली बार जब हम गए, हमारे खुसर भी वहीं थे अलीगढ़ में, प्रोफेसर उनके साथ। अब तकरीर तो बहरहाल उसका तो मैं क्या बयान करूं। एक नुक्ता मुझे आ जाए, जब शुरू किया आपने तकरीर, कहा सुनिए आप इस मुल्क में पैदा हुए, आपको क्या मिला? इस मुल्क की कौमियत, नेशनलिटी। आप इंग्लैंड में पैदा हुए, बिना लिखत पढ़ा के आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल गई, पैदाइश पे तो हुई ना। और नेशनलिटी का मतलब क्या है? कि आप इस मुल्क के कानून के कायदे के पाबंद रहेंगे, जबी तो आप अच्छे सिटीजन कहलाएंगे। और ताउमर आपने उस मुल्क के कानून और कवायद की पाबंदी की तो अच्छे शहरी का तमगा मिलेगा कि भाई बड़ा अच्छा शहरी है, इसने तमाम कानून की पाबंदी की और कानून पर रहा। और अगर आपने उस मुल्क के कानून की अदूली हुक्म अदूली की तो आपको सज़ा भी मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट है नेशनलिटी का। अब ये बताइए कि जो वादू ला शरीक पूरी खालिक कायनात सारे जहाँ का मालिक है, उसकी सरजमीन में आप पैदा हो रहे हैं और उसके कवानीन को मान नहीं रहे। अगर मानते हैं तो अल्लाह के अच्छे बंदे हैं, आपके लिए इनामात हैं, दर्जात हैं। यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट है कि सिटीजन है अच्छे, वहाँ पर आपको जन्नत भी है, आपके दर्जात बिनाने हैं। ना मानने की शक्ल में सजा तो है, लेकिन वो रहीम व करीम है, माफ़ भी कर रहा है। तो इस तरह से उस इस्तदलाल के साथ उन्होंने तकरीर को बयान किया। अभी शहादत का मामला तो बहुत आगे था, लेकिन जिस अंदाज से बताया वादा उल्ला शरीक के मामले को और एक बहसियत मुसलमान के मामले को, तो अंदाज़ा ये हुआ कि उनके दिल में एक दर्दमंद दिल था और जिसमें ये एहसास था, अलीगढ़ की लाइफ तो बहुत उनकी आखिर की रही, और जगह भी रहे वो, कि इत्तेहाद यकजहती कौम में होनी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा थोड़ा वास्ता रहा उनके साहबजादे से, ईरान भी हम लोग साथ गए एक दो मरतबा, महसूस ही नहीं हुआ कि हम लोगों में कोई ज़रा सा भी फ़र्क है। कहीं नमाज हम मशन में साथ पढ़ना है तो जाम के अंदर इन लोगों ने, हमने सुन्नी इमाम के पीछे, कल पे सादिक साहब भी थे। तो ये वक्त की अहमियत है और ज़रूरत है, इसके लिए जो काम नक्का साहब ने किया वो लायक तहसीन है। हम उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, सलाम करते हैं, उनके साहबजादे के लिए दुआ खैर भी करते हैं कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, और उन तमाम लोगों के लिए भी जिन्होंने इस महफिल को आरास्ता किया। और आखिर में शेर के साथ में अपनी बात ख़त्म करता हूँ, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बात करना। शुक्रिया। मोहतरम प्रोफेसर लियाकत मोहनी साहब, सरकार सैयदुल उलमा इल्मी कारनामों पर रोशनी डाल रहे थे। जैसे मैंने कहा कि वक्त बहुत कम है, प्रोग्राम हमें अपने वक्त ही पर ख़त्म करना है, इसलिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ दूसरे अपने मेहमान मुकर्रर आली जनाब मौलाना सैयद सरदार रजा साहब तबला, जो जौनपुर से तशरीफ़ ले आए हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سرکار سید العلماء کے سلسلے میں یہ عظیم الشان سیمینار
अल्लाह ने जिन लोगों को तौफीक दी कि उस अहम ज़ात के हयात व कारनामे पेश किए जाएं और उसके लिए ये इतना बड़ा अहतमाम किया, अल्लाह से दुआ है कि उनके तौफीकात में इजाफ़ा हो और इससे बेहतर अंदाज में उनके खिदमात को दुनिया के सामने पेश किया जाए। मुझ जैसा नाचीज़ और हकीर इंसान उनके सिलसिले में क्या अर्ज़ कर सकता है। सन 74 में जब आदि अरबी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, कमसनी के आलम में दो चार मजलिसें सरकार की सुनी, लेकिन मेरे नानिहाल में डॉक्टर सैयद अबुल हसन साहब रिजवी, जो मेरे हकीकी मामू, और बानो सैदपुरी, जो हकीकी ममानी थी, उनके फ़िक्री एतबार से ज़ेर तरबियत रहा और उन्होंने जिस अंदाज में उस सैदुलमला के हयात और कारनामे कमसनी में मुझे बताए, उससे मैं बहरहाल बेहद मुतासिर रहा। और ये इतना अजीम शान प्रोग्राम हो रहा है, ये इसलिए नहीं कि सिर्फ उनके कारनामे बयान किए जाएं, बल्कि जो तुल्लाबे किराम, जो उलमाए आलाम मौजूद हैं, उन्हें भी इस पर तवज्जो देना चाहिए कि एक शख्स अपनी इस उम्र में किस अंदाज से अपनी हमाजहत शख्सियत को कायनात में तमाम तरह की तनकीदी कैफियतों और हालात और माहौल में पेश करके हमेशा के लिए ज़िंदा हो गया। और वो जो बज़ाहिर आसमान महसूस होते थे, देखिए ये तो मिसरा कहा जाता है, ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे, लेकिन वाकई मानों में अगर खुदा के बनाए हुए आसमान होते हैं तो ज़मीन खा नहीं सकती, लेकिन अगर खुद साख्ता आसमान होते हैं तो ज़मीन खा ही क्या, जब उनका कोई वजूद ही नहीं है। तो अजीज़ो, ये अजीम शान शख्सियत जिसने हर रुख से तकरीर हो, तहरीर हो, फिक्र हो, आप सोचें शरह लुमा, दरस खारिज, किफ़ाया, रसायल, मकासिब, शराय इस्लाम, फ़लसफ़े की किताबें, मुल्ला सदरा, ये सब किताबें बहुत से उलमा पढ़ते हैं और पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाते हैं, लेकिन ये सब पढ़ने के बावजूद जैसा चश्मा लगना चाहिए आँखों पर और चीज़ों को जिस अंदाज में कैच करना चाहिए, वो सलाहियत खुदा की तरफ से अता होती है। और वो कूट कूट के मरहूम ताबासरा के वजूद के अंदर पैवस्त थी, रगो रिशे में धुन के इतने पक्के थे कि कलम है और सफ़ा है, और ऐसे से मजामीन पर और मिजाज और माशरे को देखते हुए लिखा है कि पढ़ने वाले पे बार भी ना हो और अगर उछाए किताबचा तो पूरी किताब ख़त्म कर दे। हालांकि ये उसलोब सामने आ रहा है तहरीर का कि कम लिखा जाए ताकि लोग जल्दी से पढ़ ले बातें। उन्होंने उतने पहले इतनी बेदार मगजी से मुस्तकबिल के हालात का जायज़ा लेकर के उस वक्त ऐसी गजा फराहम की है इल्मी कि जो उस वक्त भी कारामद थी और आइंदा भी कारामद है। ये अलग बात है कि ज़ाहिर है कि आम तौर पर अनपढ़ डॉक्टरों की तरफ रुजू ज़्यादा होता है, हमारे ठेठ जुमलों में कह लीजिए कि झोला ठाप डॉक्टरों की तरफ का 10 रुपये की दवा में लाइफ सेविंग मेडिसिन खिला दिया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अंदर सब लीवर और गुर्दा सब साफ हो गया, 25-30 साल के बाद उनको मरना ही मरना है, लेकिन जल्दी फ़ायदा होता है, लगता है कि बहुत खिल गए। उसी तरह से दीन के सिलसिले में भी है, ना समझ और ख़ुद दीन न समझने वालों से दीन लेने वाले बहुत हैं, लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो लोग बाशऊर हैं, जिनकी गुफ्तगु मंतिकी है, जिनकी गुफ्तगु हकायक से करीब है, अभी हमारे पेशो खतीब जो अजमेर से तशरीफ लाए थे, उन्होंने कहा कि इतिहाद के सिलसिले में बोलते थे और किसी को नागवार नहीं गुजरता था। याद रखे, जब भी गुफ्तगु मंतिकी होगी, जब भी गुफ्तगु दलील के साथ होगी और उसके पेश करने का अंदाज प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, तो चाहे जितना बड़ा इंसान हो उसे कबूल करेगा। उनके अंदर खसूसियत यही थी, भाई इत्तेहाद की बात बहुत से लोग करते हैं, कुछ लोग मोहब्बत ऐसा जताते हैं कि लगता है कि दुश्मनी की बू आ रही है, नहीं ऐसा नहीं है, सलीका होता है, तरीका होता है, तहरीर उनकी देखने से अंदाज़ा लगता है, जैसे लगता है कि जितना पढ़ा है उससे कहीं ज़्यादा समझा है। इल्म वो दे जो तेरे अक्ल की तह पा जाए, अक्ल वो दे जो तेरे इल्म को रास आ जाए। ये बड़ा सख्त मरहला है, ये बहुत दुश्वार मरहला है, कभी कभी इल्म परेशान करने लगता है, कभी कभी अक्ल परेशान करने लगती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ तवाज़ुन दिखाई देता है, कुछ ऐसे मकामात हैं
जहाँ महसूस होता है कि हाँ इल्म और अक्ल की संजिश और हम आहंगी और तस्सीम किस अंदाज में रोशनी कायनात के सामने पेश कर रही है। आप महसूस करें 18 जिल्दों में गालिबन इल्म रिजाल पे लिखी हुई किताब जो अभी गैर मतबूआ है, खुद हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना अली मोहम्मद साहब क़िबला के पास महफूज है। ये मतबूआ तसानीफ हैं जिनको 300 कहा जाता है और गैर मतबूआ न जाने कितनी है। ऐसा लगता है कि हमेशा लिखते ही रहे, हमेशा लिखते ही रहे। और ये लिखना कोई आसान नहीं, देखिए बोलना तो आसान है, अभी तकरीर करके निकल जाइए आदमी भूल गया और आप कुछ तौजीह कर दे, मगर लिखना बहुत मुश्किल काम है। मगर खुदा की कसम तकरीर भी ऐसी की है कि ऐसा लगता है कि अगर तहरीर में आ जाए तब भी पढ़ने में लुत्फ और अगर बोल रहे तब भी पढ़ने में लुत्फ। आज के ज़ाकिरीन रुलाने के सिलसिले में न जाने क्या क्या इख्तिरा करते रहते हैं और वो जुल्म वो मजालिम सामने आते हैं जो शिमरन में भी नहीं किया है। लेकिन आप ज़रा महसूस करें कि उन्होंने हकायक से करीब ऐसे जुमले कहे हैं कि एक जुमला पढ़ा और रिक्कत तारी हो गई, दिल टूट गया, आंखों से आंसू निकल आए। ये सब तरीके हैं, ये सब सलीका है। ऐसा नहीं है कि हमको कुछ नई चीज़ें लाने की ज़रूरत है, नहीं, उनकी फिक्र से हमें कैच करने की ज़रूरत है। हमारे असातिज़ा ने कहा कि साहब अगर 200 बरस पहले हम लोग इस ज़माने के मौलवी लोग पैदा हो गए होते तो शायद आज दीन पहुँचता ही नहीं, ना अल्लामा मजलिसी दिखाई देते कि उतनी सब किताबें दिखाई जाती और ना इस मुल्क में सैयदुल उलमा या उनके जैसे अफराद जिन्होंने खिदमात की है जो बात के लिए वाकई नमूना है। माने न माने मगर हर शख्स बहरहाल इल्मी तौर पर उनके छतरी के ज़ेर साया आता ही है। नुक्ते सुनिए, बयान सुनिए, तहरीर पढ़िए तो लगता है कि हाँ जिसे पढ़ा है वो जानता है कि कहाँ से कौन बोल रहा है, कहाँ से। यहाँ तो छोड़िए पाकिस्तान में भी बहुत से बोल सुनाई देते हैं जो उन्हीं के हैं। कसम खुदा की मैं कुम में मौजूद था, आयतुल्लाह मरशी नजफ़ी ताबसराह जो गालिबन उनके साथ पढ़े थे, मुझे उतना नहीं एहसास है, जब आप तशरीफ़ ले गए मैं कुम था तो खुद मरशी नजफ़ी साहब क़िबला तशरीफ़ लाए उनसे मुलाकात करने के लिए। यानी वहाँ जो उलमा के दरमियान दीद व बाज़दीद का एक तरीक़ा है उस तरीक़े को अपनाया और रवायत का इजाज़ा इन्होंने शायद उनको दिया और उन्होंने इन्हें दिया। ये मामूली मरहला नहीं है। आयतुल्लाह खुई ने इल्म रिजाल के सिलसिले में अलबयान नामी किताब लिखी है, सारी दुनिया पढ़ रही है। लेकिन आप सोचें कि इस शख्स ने इतने, देखिए आसा फिजा हमवार हो तो सब करम की भीख देते हैं, ऐसे नासाजगार माहौल में इतने धुन के पक्के थे, इतने मजबूत इरादे के थे कि उन्होंने जो कुछ भी लिखना चाहा और जो कुछ भी ज़रूरत समझी उसको छोड़ा नहीं, उसे पेश करके छोड़ा। और बनहबे अहसन बेहतर से बेहतर अंदाज में, मैं कैसे अर्ज करूँ, अकायद का मरहला हो, इल्म कलाम का मरहला हो, जो जो बातें लिख दी हैं शरह तजवीद में पढ़ने उठाइए तो लगता है कि समझ ही में नहीं आ रही, लगता है समझ ही में नहीं आ रही। फ़लसफ़े की इस्तलाहें, मंतिक की इस्तलाहें, लेकिन उन्होंने जो मकाले लिखे हैं इल्म कलाम के सिलसिले में देखें बिल्कुल आसानी के साथ। मसलन एक बहस है कि अल्लाह जब बनाने वाला है तो जिस चीज़ को बनाता है उसमें भी शामिल हो जाता है। उन्होंने उसमें इसको फ़लसफ़ी और मंतिकी अंदाज में समझाना मुझे खुद तो लाभ को दुश्वार हो जाता है, मगर उन्होंने बड़ी आसानी से कहा कि तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कि अगर कोई आदमी एक तख्त बनाता है तो लकड़ी है, कील है, लोहे का वो पत्तर है, ये सब जमा करके उसको ठोक के तख्त बना देता है, तो क्या मतलब तख्त के अंदर वो शरीक हो गया? नहीं, तख्त के अंदर शरीक नहीं हुआ है। इस तरह के मसाइल अल्लाह बंदों के जैसे कारनामों पे कुदरत नहीं रखता है। ये बड़े सख्त मसाइल हैं। उलमा के दरमियान इल्म कलाम की बहसें बड़ी दुश्वार होती हैं, तो उसको इस अंदाज से इतनी आसानी से, जब जिस तरह बंदे चलते हैं साइकिल पर, अल्लाह वैसी साइकिल चलाने की कुदरत नहीं रखता, इसलिए कि अल्लाह के लिए ये मुहाल है। बेपनाह मिसालें, बेपनाह कैफियतें दे करके सख्त से सख्त तरीन मसले को हल किया। या मुस्लिम पर्सनल लॉ, नाकाबिल तब्दील, ये किताबें ज़ाहिर है कि वक्त मुझे ज़्यादा नहीं लगे, हमारे बरादर बुजुर्गवार कैसर रजा साहब ने पहले ही कह दिया और मेरी आदत में भी नहीं कि मैं ज़्यादा वक्त लूँ। ये सारी वो किताबें हैं। अब पहले जब हम देखते थे छोटे थे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, नाकाबिल तब्दील तो समझी भी नहीं आती थी, हेडिंग क्या चीज़ है, ये है क्या, मुस्लिम पर्सनल लॉ नाकाबिल तब्दील क्या मतलब है, यानी जब पढ़ पढ़ के बाकायदा है तब समझ में ये है क्या।
आप महसूस करें। ठीक है, इस तरह के सफ़र में तवज्जो फरमाए, इस तरह के सफ़र में हो सकता है कि बहुत से दोस्त ना हों, लेकिन याद रखें दोस्तों की नासमझ दोस्तों की भीड़ ने मौला को भी सताया है, परेशान किया है, और सिफीन का महाज इसके लिए गवाह है। और अगर समझदार दोस्त है तो 1000 के ऊपर भारी होता। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में भी वो बड़े खुशनसीब थे, जितने दोस्त थे वो बड़े समझदार थे और बहुत ज़्यादा मददगार थे। देखिए बम्बई से बुला लेना आसान नहीं, अभी जिन्होंने तकरीर की है ये उनकी मोहब्बत है। खुद जाफ़र अली असील साहब के मकान पे मैंने उनको देखा है, सैयदुल उलमा ताबा सरा को, नहायत अपना काम कर लिख रहे कोई भी आया। अच्छा आप आजकल तो चापलूसी का मिजाज है, हर आदमी चाहता है मौलाना और ये नहीं सोचता कि मौलाना को 1 घंटा अगर टाइम ले लिया तो न जाने क्या क्या जो इल्मी कैफियतें अफकार सामने आने वाले वो सब गायब हो जाएंगे। लिहाजा मैं अपनी तकरीर को समेटते हुए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सैयदुल उलमा के तमाम तसानीफ को देख कर फिक्री तौर पर हम सोचें कि हमारी फ़िक्र का नहज क्या होना चाहिए। अगर इंसान हुसूल इल्म में इखलास के साथ खुदा को पेशे नज़र रखते हुए अगर हुसूल इल्म करता है और दुनिया से मोहब्बत नहीं रखता तो दुनिया उसके पास खुद आती है, और साथ साथ इल्म के कारनामे पेश करने के लिए अल्लाह की तरफ से रास्ते फराहम होते हैं, तौफीकात फराहम होते हैं। यकीन जाने इतने सब कलमी कारनामे सामने आ ही नहीं सकते, ये अल्लाह ही ने कराया है जो उनके ज़रिए से इल्मी कारनामे सामने आए। अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत नाजिल करे। साहिब कशफ व करामात होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि इतना बड़ा काशिफ जो इतनी सब किताबें अपने जहन की लाके पेश कर सकता है, जो न जाने कितने बीमार दिलों का इलाज कर सकती है, न जाने कितनी बीमार फिक्रों का इलाज कर सकती है, यकीन माने वो अहम है कि जिन बीमार फिक्रों से इंसान का वजूद बीमार होता है, माशरा बीमार होता है, अंजुमन बीमार होती है, कौम बीमार होती है, उसका इलाज करने वाला वो शख्स था। खुदा रहमत नाजिल करे, अल्लाह हमें उनके फिक्रों के ऊपर और उनके तर्ज ज़िंदगी के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए, और दुआ यह है कि जो नहीं समझते उन्हें भी उन्हें समझने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।